So we have with us actor and director Karanveer Bohra. Karan, welcome to AdGali ScreenX 2022. What do you want to convey to AdGali for this event? Director, तो आपने ऐसे चेप दिया. नहीं, भंवर के लिए किया ना डायरेक्ट. भंवर के लिए. वो तो वो क्या था मुफली सीम है बिकॉज नथिंग वाज हैपनिंग. देखिए हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं सो वी हैव एन आइडिया अबाउट डायरेक्शन अबाउट एंगलिंग अबाउट कैमरा वर्क एवरीथिंग और यू नो इट वाज लॉकडाउन टाइम तो उस वक्त हमने सोचा क्यों ना एक सीरीज बनाई जाए और चार लोगों के बीच में बना दी. क्या बात है. वी मीन जस्ट फॉर जस्ट मेरे कैमरामैन थे राजू गावली मैं बस ये दो मतलब और एक मेरी प्रोडक्शन टीम थी पायल करके पायल सोडी हम तीन ही थे बस बाकी दो और एक्टर्स दैट्स इट मेरी वाइफ और मंत्र. मतलब खर्चा भी बचा लिया आप पूरा एवरीथिंग बट इट वाज वर्थ इट दे लाइक्ड इट वरना कोई लेता नहीं. Z5 पर आ रहा है जरूर देखेगा. वैसे हाउ डिड दैट लाइक थॉट ऑफ कमिंग अप विद सच काइंड ऑफ एन आईडिया गेम टू योर माइंड. कंटेंट क्रिएटर्स वी वांट टू क्रिएट समथिंग. अभी फोन पे कर रहे हैं तो हम थोड़ा बड़े पर्दे पे करेंगे यू नो दैट्स व्हाट. What do you think? Like, what kind of content is welcomed by the audience these days on OTT platforms? Nobody knows. यहाँ कोई किसी के पास secret नहीं है, कोई formula नहीं है. क्योंकि पहले क्या फिल्मों में क्या था एक formula था. सलमान खान आते थे एक formula. अक्षय कुमार आते थे formula. शाहरुख खान आते हैं formula. It works. Okay. Web पे पता नहीं क्या. TV पर भी formula है कि you know वही सास वही बहू वही यू नो विलेन फीमेल ओरिएंटेड ज़्यादा है. सो इट इज़ ऑल वेब में नोबडी इट्स जस्ट कंटेंट ड्रिवन. लेकिन कभी कभी कंटेंट ड्रिवन भी चलता है कभी नहीं चलता है. सो इट्स जस्ट हिट एंड मिस. वेब हैज़ ऑलरेडी चेंज द डेफिनेशन ऑफ वर्किंग ऑन प्लेटफॉर्म डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आई वुड से. वेब एक चीज़ हमें ज़रूर दी है कि हमें थोड़ा समझदार कर दिया कि हमें पता है कि अच्छा क्या है ख़राब क्या है थोड़ा. हाँ थोड़ा ही. हाँ उससे ज़्यादा नहीं वरना हम लिटरली थोड़ा ही वरना हम नॉनसेंस भी देखते हैं अगर यू नो बिकॉज क्या वेब में ना इतनी चॉइसेस नहीं मिलती है. ओके आप वो महीने में एक नई सीरीज आती है फिर क्या करें फिर वही पुरानी देखनी पड़ती है तो कोई कोई बकवास भी होती है लेकिन देखते हैं हम लोग पर एकदम मज़ा नहीं आया बकवास. आप एक सीरीज एक एपिसोड देखते हो फिर चेंज दूसरा देखते हो मज़ा नहीं आया. सो अगेन इट्स नॉट ईजी. अगेन वेब इज़ हिट एंड मिस. So well, do you look forward to such kind of events, ScreenX 2022, to come forward and what AdGali has done? Like, how much did you like it? Were you excited before you were coming here? Yeah, absolutely. मैंने एक ही मर्तबा में हाँ कह दिया था क्योंकि मैं जब आता हूँ ना मैं एक ऑडियंस की तरह आता हूँ. I don't come as an actor, I don't come as a content creator. Nice. I come as an audience because मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो देखता हूँ और मैं फिर शेयर करना चाहता हूँ. मुझे बहुत मैं लोगों के साथ बात करता हूँ कि अभी बॉलीवुड का बहुत एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है. उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. देन अ वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन. आई थिंक ओटीटी ने पजल भी कर दिया बॉलीवुड को. नहीं ओटीटी ने नहीं किया है एक्चुअली ये साउथ फिल्मों ने किया है. ओके साउथ ने पजल किया होता तो कॉपी क्यों कर रहे होते बॉलीवुड में कॉन्टेंट. नहीं वो क्या करते हैं वी रीमेक. अब रीमेक तो सभी करते हैं मतलब बॉलीवुड भी वहाँ पर जाकर साउथ में रीमेक होता है. लेकिन क्या है ना साउथ में स्पेशली मलयालम और कन्नड़ वो कंटेंट को या स्टोरी को बहुत तवज्जो देते हैं. वहाँ पे राइटर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और फिर राइटर का जो विजन होता है वो डायरेक्टर एग्जीक्यूट करता है. यहाँ पर क्या है जो एक्टर का विजन होगा वो सब लोग एग्जीक्यूट करेंगे. बट इफ यू टॉक अबाउट स्पेशली अबाउट ओटीटी हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स कमिंग मोर एंड मोर ऑन ओटीटी लाइक द वन आर यू आई थिंक हम जैसे लोगों के लिए ना एक कंटेंट क्रिएटर्स स्पेशली आई मीन मैं उस स्ट्राटा का भी हूँ बिसाइड्स बीइंग एन एक्टर. लेकिन आई थिंक हमारे लिए एक स्पेस एक कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वेब पर एक स्पेस ज़रूर बनेगी वेर यू क्रिएट सीरीज़. जैसे मैंने भंवर के लिए किया था 8-10 मिनट का एपिसोड था 8 episodes or 10 episodes मैंने बनाए. इट्स लाइक डूइंग वन मिनी सीरीज जैसे कि आप 1-1.5 मिनट के आप बनाते हो फ़ोन पर आप देखते हो बहुत सारे तो वेब पर नहीं तो डिजिटल पर भी मतलब फ़ोन्स पर भी आ जाएगा इवेंचुअली. तो फ़ोन पर ही देखते हैं ना वेब एक अलग नाम हम देते हैं लेकिन इवेंचुअली फ़ोन पर ही देखते हैं ना. तो फ़ोन पर भी ऐसे कोई ऐप्स आ जाएंगे जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स को सीरीज़ बनाने का मौका मिलेगा. रियली इट्स आई मीन द फ्यूचर इज़ गुड. और फिर है ना मुझे ऐसा लगता है 1-2 साल का ही की वेट है इसे ही पैसे कमाएंगे और इतने कमाएंगे कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं होगी. ये तो बात आपने अच्छी कही पैसा कमाने का तो एक अच्छा जरिया है. वेल ये ज़्यादा रियलिज्म ना हो जाए इसलिए सो साइनिंग ऑफ फॉर अभी के लिए. थैंक यू सो मच करण फॉर टॉकिंग टू अस. नाउ द एक्टर्स बैक. थैंक यू वंडरफुल टॉकिंग टू यू करण.